हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे हों। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जो। और वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ द सेंशन ऑफ माई लाइफ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में कि यहाँ पे फी काफ़ी परेशान होती है और नर्वस भी होती है, और वहाँ का मैनेजर आता है उसको लेके, और यहाँ पे फ्रें उसके सामने बहुत सारे सैंडल्स का कलेक्शन होते हैं, ज्वेलरी के कलेक्शन होते हैं, सारी लड़कियाँ लेके खड़ी होती है। तो यहाँ पे बोलती है कि फी ये सब चीज़ क्या है डायरेक्टर? तो बोलता है यहाँ पे वो, ये सब चीज़ फैंग ने कहा है। मतलब फैंग जो फ्रें टैंक और फैंग के बीच में थोड़ी थोड़ी खटपट चलती थी, वही फैंग है फ्रेंड। और फैंग इसका दोस्त भी है फी का। तो यहाँ पे बोलता है कि ये सारी चीज़ें सर ने भिजवाया है, आपको जो पसंद है आप ले लो। तो यहाँ पे बोलती है वो, उसने मुझे ये सारी चीज़ें क्यों दी? वो समझ नहीं पा रही होती है। तो बोलती है नहीं नहीं मुझे ये सारी चीज़ नहीं लेना, आई एम नॉट एक्सेप्ट दिस। तो बोलता है बट क्यों, आप क्यों नहीं ले सकती हुए? ये सारी डिज़ाइन स्पेशली फैंग सर ने आपके लिए ही किया है। तो बोलती है कि मैंने कहा ना मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए, फैंग को कह देना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही जा रही होती है फ्रेंड, तो फिर से वो बोलता है प्लीज़ ले लो लीजिए मैम, कुछ भी तो आप ले लीजिए। तो बोलती है वाई आर यू डूइंग, जब मैंने एक बार आपको कहा कि मुझे नहीं करना मतलब नहीं करना है, तो क्यों नहीं आप मुझे समझ रहे हैं? हाँ, आपको एक बात में समझ नहीं आ रही है, जिसको बोलना जाके बोल दीजिए मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे फैंग मिलता है टैंक से। टैंक बोलता है क्या कर रहे हो तुम, या करना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे बोलता है फैंग कि मैं कुछ नहीं करना चाहता। दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। तो टैंक बोलता है जो भी तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें करना बंद करो समझे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रहा समय मैंग्यून कंपनी का, तो वो मुझे छोड़ दो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसमें प्लीज़ फैंग तुम टांग अपनी मत हरा, तुम अपने कंपनी पे फोकस करो जो तुम्हारा डूब रहा है। वहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है फ्रेंड। उसके बाद वो सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन देखने को मिलेगा यहाँ पे टैंक बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है क्योंकि बिजी होता है फ्रेंड। तो वहाँ पे बोलता है उसका कलीग कि सर आपके आइज़ के नीचे डार्क सर्किल हो गया, क्या बात है, आजकल आप जाग रहे हो क्या? तो यहाँ पे बोलता है टैंक नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें किसने कह दिया, तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो फ्रेंड? यहाँ पे बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट देखने को आप सबको मिलेगा। तो यहाँ पे बोलता नहीं बॉस मुझे तो लग रहा है ये सब कुछ चैटिंग शैटिंग का मामला है। तो यहाँ पे टैंक बोलता है सुनो ज़्यादा अपना दिमाग मत लड़ाओ, ठीक है ना, देख नहीं रहे हो मैं कितना काम करता हूँ, प्रेशर रहता है, हर वक्त कंप्यूटर पे रहता हूँ, मोबाइल रहता, तो हो जाता है ये सारी चीज़ें, इसको माइंड नहीं करते हैं। तो वहाँ पे बोलता है ओ अच्छा ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है फैशन डिज़ाइनिंग का, कौन सबसे बेस्ट ड्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ पे फीक भी रहती है फ्रेंड, पार्टिसिपेट की भी वो लेडी आती है, सबको बोलती है जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हरी अप जल्दी करो, स्टार्ट होने वाला है रैंप वॉक अप। तो यहाँ पे सब लोग रेडी रहते हैं फ्रेंड। यहाँ पे स्टेज पे सारे जजेस रहते हैं, ऑडियंस रहती है, मीडिया रहती है, सारे लोग रहते हैं, और यहाँ पे आ रहे होते हैं एक पे एक ड्रेस सब देख रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग होती है फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पे जितने ड्रेसेस का था उसमें से एक ड्रेस नहीं आया था। सारे लोग कहते हैं कि वन आउटफिट कहाँ है, आखिर मिस कैसे हुआ, जबकि इतने सारे का कलेक्शन था, तो उसमें से सारे लोग का है बट एक का ही नहीं है, जो कि फ्रेंड फी का नहीं था। और यहाँ पे फी काफ़ी नर्वस थी कि एक्चुअली में वो बोले तो क्या बोले। तभी सडनली वहाँ पे फी आती है, बोलती है डियर जज टीचर ऑडियंस इज़ फ्रेंड आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी गलती है, मेरी ही लास्ट आउटफिट यहाँ नहीं पहुँच पाई, मुझसे नहीं हो पाया। और काफ़ी रोने लगती है फ्रेंड और काफ़ी टेंशन में चली जाती है कि ये सारी मेरी गलती थी, तो प्लीज़ मुझे हो सके तो माफ़ कर दे, इन सब टीम की कोई भी गलती नहीं थी। तो वहाँ की जज बोलती है तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम एक डिज़ाइनर बनने जा रही हो और तुम इतनी बड़ी मिस्टेक कर रही हो, तो अगला लोग तुमसे क्या सीखेगा, तुम्हारा जूनियर तुमसे क्या सीखेगा, बहुत कुछ बोलने लगती है। तो बट फिर भी
तो वहाँ पे बोलती है कि मैं आपको ड्रेस दिखा सकती हूँ, तो वहाँ पे पीछे ड्रेस दिखाती है अपना, जो आउटफिट उसका तैयार नहीं हुआ था फ्रेंड, तो सारे लोग उसको देख रहे होते हैं जो काफ़ी खूबसूरत होता है। तो वहाँ पे एक आदमी होता है, बोलता है आई रियली लाइक दिस वर्क ऑफ योर। तो वहाँ पे फैंग भी बैठा होता है जज में, तो फैंग बोलता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था तो फिर तुम इस तरीके से रो क्यों रही हो। तो यहाँ पे बोलती है फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि मैंने अपने पहले ही वर्क में गलत कर दिया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे बस एक दिन टाइम चाहिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ एक दिन में मैं ये पूरी आउटफिट बना दूँगी। तो वहाँ का सारे जज कहते हैं क्या तुम कंफर्म हो कि तुम एक दिन तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ पे फिर बोलती है कि हाँ मेरे लिए काफ़ी होगा ये। तो यहाँ पे बोलता है ऑनर कि फैंग आप कुछ रूल्स के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे फैंग बोलता है इतना सर रूल्स के खिलाफ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बना रही है इसको मैंने एक दिन दिया है और एक दिन कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लोगों को गलतियों को एक बार तो माफ़ कर ही सकते हैं हम सब। उसके बाद वो बैठ के रो रही होती है फ्रेंड, वहाँ पे फैंग आता है तो कहता है कि ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो बोलती है कि नहीं पता नहीं मुझसे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मैंने जानबूझ के ये सारी चीज़ें नहीं किया था। और वहाँ पर वो काफ़ी टेंशन में रहती है, फिर वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में देखने को मिलेगा वो सोई रहती है और यहाँ पर उसका भाई आवाज़ देता है फिर कुछ खाओगी, देखो मैंने बॉयल किया हुआ एक लाया, अच्छे छोड़ो ऑमलेट बना देता हूँ, चिकन लेग पीस ले आता हूँ। लेकिन फिर वो कोई आवाज़ नहीं होती है क्योंकि उसके साथ जो पूरा दिन गया था वो बहुत ज़्यादा बुरा गया था, काफ़ी लोगों ने उसे डांटा था, सारे लोगों के सामने उसे जज किया, सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। टैंक का भी कॉल आता है फ्रेंड, बट रिसीव नहीं कर रही होती है, फिर कुछ नहीं करती है, फ़ोन को काट दे रही होती है। और यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग देखने को मिलेगा यहाँ पे आता है टैंक फी के पास, तो बोलता है क्या हुआ ये सारी चीज़ें को तुम इतना सोचोगी तो फिर तुम आगे कैसे करो, आई बात समझ में तुमको। तो यहाँ पे वो उसको देखती है तो बोलती है हाँ थैंक यू तुम यहाँ तक आए मेरे पास। तो बोलता है इतना फ़ोन कर रहा था क्यों नहीं उठा रही थी रात में तुम, तो बोलती है कि बस ऐसे ही मैं सो गई थी। तो बोलता अच्छा सो गई थी, तो नहीं रहा कि तुम सो गई थी। तो बोलती है कि आई एम सो सॉरी। तो बोलता है टैंग यहाँ पे कि देखो फी ऐसे करने से ऐसे नहीं होता है, तुम बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनने जा रही हो, तुम मांगियो कंपनी में जॉब कर रही हो, ये सारी चीज़ें तुमको झेलनी होगी, सब चीज़ को अवॉइड करो, इतना डीपली सोचोगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा तुम्हें आगे जाने में। तो बोलता है एक सेकंड रुको, वो जाता है अपने गाड़ी से निकालता है फिर बहुत सारे सामान जो फी का होते हैं ड्रेसेस वगैरह और उसमें स्टोन्स वगैरह देने के लिए बोलता है ये लो, और ये देके वो चला जाता है, ये लेके वो अंदर आ जाती है। और यहाँ पे ये एपिसोड एंड होती है फ्रेंड, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।